हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूं, जानिए पेट में कीड़े क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, कुछ बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये कीड़े आमतौर पर केचुए के आकार के होते हैं। इन्हें गोल कृमि कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कीड़े पेट में क्यों होते हैं? इन कीड़ों के अंडे आमतौर पर फलों, सब्जियों, खुली मिठाई और बाजार में बिकने वाली खुली खाद्य वस्तुओं में होते हैं। फलों सब्जियों को बिना धोए खाने से और खुली मिठाई व बाजारू चीजें खाने पर ये अंडे हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। पेट में इन अंडों से केचुए के आकार के कीड़े हमारी आंतों में पैदा हो जाते हैं। आंतों में ये कीड़े बड़े आराम से रहते हैं, और क्योंकि वहां इन्हें हमारा खाया हुआ भोजन मिल जाता है। जो भोजन हमारे शरीर को मिलना चाहिए उसका बहुत सारा अंश ये कीड़े खा जाते हैं। परिणाम यह होता है कि इनकी उपस्थिति के कारण आदमी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। इन कृमियों की त्वचा काफी सख्त होती है, जिस पर हमारे पेट में उपस्थित पाचक रसों और अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होता। गोल कृमि मनुष्य और पशुओं की आंतों में रहते हैं। मादा गोल कृमि 30 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, जबकि नर इससे कुछ छोटा होता है। गोल कृमि पैदा न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम साफ और स्वच्छ पदार्थ ही खाएं। तो ये थे फ्रेंड्स, जानिए पेट में कीड़े क्यों होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।